बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न बायोलॉजी ईजीली। हाउ आर यू ऑल? होप यू विल ऑल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। The earliest known system of the classification of living organisms comes from the famous Greek philosopher Aristotle। यूनानी फिलासफ़र अरस्तु ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया, प्लांटी और एनिमेलिया। अरस्तु के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो किस्म के ही हो सकते हैं, या तो कोई जानदार प्लांट होगा और या कोई जानदार एनिमल होगा। इसके अलावा तीसरा कोई ग्रुप उसने नहीं बनाया। तमाम छोटे बड़े साइज़ के प्लांट्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया और तमाम एनिमल्स को, चाहे कोई लैंड एनिमल है या वाटर में रहने वाला एनिमल है या हवा में उड़ने वाला कोई परिंदा है, तमाम किस्म के एनिमल्स को उसने किंगडम एनिमेलिया में शुमार किया। लेट्स टॉक अबाउट द फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़। अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़ वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने एनिमल्स पे बहुत सा काम किया। अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़ ने 700 ईस्वी में एक बुक लिखी। इस बुक में उन्होंने एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ की खसूसियात बयान की और इसके साथ साथ इन्होंने चींटियों की ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी रिसर्च की और उस रिसर्च के बारे में इन्होंने बुक्स लिखी। नेक्स्ट इज़ अ फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न रश्द। इब्न रश्द वो मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने अरस्तु की किताब डी एनिमा का अरबी में तर्जुमा किया ताकि जो मुस्लिम दुनिया है वो भी अरस्तु के काम से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी मैनी साइंटिस्ट्स स्टार्टेड देयर वर्क on classification of the living organisms. Here we are going to discuss a few scientists who did their best in classification. Andrea Casalpino is the personality who classified the plants in 15 groups. These 15 groups were named as genera by Andrea Casalpino. John Ray also published an important work on the classification of plants. पिछली वीडियो के अंदर हमने क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन किया था और हमने ये देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है उन ग्रुप्स को हम टैक्सा कहते हैं। उन टैक्सा में से एक टैक्सॉन का नाम है ऑर्डर। ऑर्डर का टैक्सॉन जिस पर्सनैलिटी ने मुतारफ़ करवाया था उसका नाम है ऑगस्टस रेवेनस टॉर्निफोर्ट। टॉर्निफोर्ट आल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू टैक्सा। दीज टैक्सा आर नेम्ड एज क्लास एंड स्पीशीज। यस, द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय टॉर्निफोर्ट। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैरलस लीनियस। ये वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सा इम्पोर्टेंट काम किया है और इनका काम आज भी बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ समझा जाता है। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम किया और इन्होंने जानदारों के साइंसी नाम रखने का तरीका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मुतारफ़ कराया जो कि आज भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। बायोलॉजी का इल्म हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।